जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण। ईरान ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने किसी भी भारतीय क्रू को नहीं किया है डिटेन। कल 19 अप्रैल को फिलीपींस रिसीव करेगा भारत से अपनी पहली ब्रह्मोस मिसाइल। US ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि जेट इंजन के अलावा वे भारत के साथ आर्मर्ड व्हीकल के को प्रोडक्शन पर भी कर रहे हैं काम, और छत्तीसगढ़ में अभी तक 80 से अधिक नक्सल्स को किया जा चुका है ढेर। आज 18 अप्रैल को चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO ने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया था। और आज के इस परीक्षण के दौरान इस मिसाइल के सभी सबसिस्टम्स ने उम्मीद के अनुसार परफॉर्म किया है। इस मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है उसे अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किए गए रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री, तो इस तरह से अलग अलग रेंज के सेंसर्स की मदद से मॉनिटर किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि इस मिसाइल के फ्लाइट पाथ को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर से भी मॉनिटर किया गया था। और आज के परीक्षण की खास बात यह थी कि इस मिसाइल में GTRE द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि सफल उड़ान परीक्षण के साथ इस स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी वैलिडेट किया गया। और स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम के अलावा मिसाइल की बेहतरीन और रिलायबल परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए इसे एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी इक्विप किया गया। और स्वदेशी इंजन के साथ इस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण निश्चित रूप से भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक मेजर माइलस्टोन है। बाकी आज इस परीक्षण के बारे में जब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया था तो उसमें हमें कुछ कमेंट्स ऐसे देखने को मिले कि जो ये ITCM है और जो निर्भय मिसाइल है ये एक है अलग अलग है। तो क्लियर कर देते कि जो ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है तो इसे भारत के निर्भय मिसाइल के आधार पर ही विकसित किया गया है। बस फर्क यह है कि जो अभी तक निर्भय मिसाइल हमारे पास मौजूद है तो उसको पावर देने के लिए उसमें रशियन इंजन का इस्तेमाल किया गया, और रशियन इंजन वाली मिसाइल को आप निर्भय का बेस वेरिएंट कह सकते हैं। लेकिन जो ITCM है जो कि निर्भय मिसाइल पर ही आधारित है तो उसमें भारत ने अपने खुद के स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया है जो कि मानिक इंजन के नाम से भी जाना जाता है। और निर्भय मिसाइल के इस ITCM वाले वेरिएंट में केवल स्वदेशी इंजन ही नहीं बल्कि स्वदेशी अपग्रेडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स और बाकी के स्वदेशी सबसिस्टम्स को भी इक्विप्ड किया गया है। और इस ITCM वाले प्रोग्राम को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसमें 100% स्वदेशी कंटेंट को अचीव करना। तो आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो ITCM है वो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एक कंप्लीट 100% स्वदेशी वेरिएंट है। और 2020 से लेकर अभी तक इस मिसाइल के कई बार परीक्षण हो चुके हैं। बाकी इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1500 किलोमीटर तक रहेगी, जबकि निर्भय मिसाइल का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो ऑलरेडी लिमिटेड नंबर्स में LAC के पास डिप्लॉयड भी है। और आज के इस परीक्षण में इस मिसाइल ने Mach 0.9 तक की रफ्तार को हासिल किया है, यानी कि लगभग 1111 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी इस मिसाइल के कई अलग अलग फीचर्स के बारे में बात की जाती है, जैसे कि इसमें सी स्किमिंग, टेरन हगिंग और लॉयटरिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को अवॉइड करने के लिए ये ग्राउंड के बेहद ही करीब रहकर उड़ान भर सकती है, और जबकि उड़ान के बीच में मैनूवरिंग भी कर सकती है। और इसको लेकर दावा किया जाता है कि ये मिसाइल 24 अलग अलग तरह के वॉरहेड्स को डिलीवर करने में सक्षम है। और कुछ दावे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि ये जो मिसाइल है ये दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी एक तस्वीर और वीडियो बनाकर कंट्रोल रूम तक भेज देगी, यानी कि एक तरह से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने से पहले उसका एविडेंस भी इकट्ठा हो सकता है। इस मिसाइल का जो सिंगल शॉट किल रेशियो है वो 90% से ज़्यादा है। बाकी भारत के निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के काउंटर में पाकिस्तान के पास भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल वाला प्रोग्राम है जिसे नाम दिया गया है बाबर मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान की जो बाबर मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर तक है, और इसके अलग अलग तरह के वेरिएंट्स भी बनाए गए हैं जैसे कि बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3, बाबर 1A, बाबर 1B। लेकिन पाकिस्तान के बाबर मिसाइल्स में कई बार कई तकनीकी खामियां भी देखी गई हैं। और बाकी भारत के जो ये निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ये भारत की नई रॉकेट फोर्स का महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट भी रहेगी। 13 अप्रैल को ईरान द्वारा MSC Aris नाम की कार्गो शिप को जो सीज किया गया था और जिसके क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय भी शामिल थे, तो आपको बता दें कि उन 17 भारतीय क्रू मेंबर्स में से एक वुमेन भी थी जिनका नाम है एन टेसा जोसेफ, तो वे सुरक्षित तरीके से भारत वापस आ चुकी हैं। और इस बारे में जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और जो बाकी के 16 क्रू मेंबर्स हैं उनके वेलबींग को भी सुनिश्चित करने के लिए जो भारतीय मिशन है वो ईरानियन साइट के साथ कंटिन्यू टच में है। और जबकि अभी हाल ही में वियोन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ईरान के राजदूत की तरफ से कन्फर्म भी किया गया है कि जो बाकी के बचे 16 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं तो वो वापस जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं और ईरान की अथॉरिटीज़ ने उनमें से किसी को भी डिटेन नहीं किया है। और जबकि इन क्रू मेंबर्स से मिलने के लिए कॉन्सुलेट को एक्सेस भी दिया गया। बाकी वियोन के साथ इंटरव्यू में ईरान के राजदूत ने वेस्ट एशिया की करंट सिचुएशन पर बात करते हुए ये कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता और अपने राष्ट्र हितों को डिफेंड करने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। और उन्होंने इस बात को भी पॉइंट आउट किया
कि जब यूएनएससी ने सीरिया में उनके कॉन्सुलेट पर हुए हमले की निंदा करने से इनकार किया तो यही कारण था कि ईरान के पास अपने राष्ट्रहितों की रक्षा के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बाकी उन्होंने इस बात की उम्मीद करी है कि दोनों पक्ष यानी कि ईरान और इसराइल डी एस्केलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और ईरान भी इसराइल के साथ इन क्लैशेस को एक्सपेंड करने पर कोई विचार नहीं कर रहा है। बाकी ईरानियन राजदूत के मुताबिक ईरान ने जो स्ट्राइक करी थी उस स्ट्राइक में खास तौर पर इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ही केवल टारगेट किया गया था और ईरान के मुताबिक उनके स्ट्राइक में इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और जबकि इसी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ईरान और इसराइल के बीच डी एस्केलेशन के मामले में भारत की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि भारत के ईरान और इसराइल दोनों के ही साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो इस पर ईरानियन राजदूत का ये कहना है कि भारत एक बड़ा देश है और इंटरनेशनल अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है और इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत के सपोर्ट के साथ इस मामले पर डी एस्केलेशन होगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 19 अप्रैल को फिलीपींस भारत से अपनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रिसीव करेगा और इसे इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से डिलीवर किया जाने वाला है। बाकी भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो डील है वो जनवरी 2022 में साइन की गई थी और इसकी वैल्यू है $375 मिलियन। बाकी अभी वर्तमान समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका 85% तक के कॉम्पोनेंट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जबकि भारत का गोल है ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा को इससे भी ज़्यादा बढ़ाना। बाकी अगर ब्रह्मोस की बात हो ही गई है तो squadin.in पे जाके ये ब्रह्मोस वाला स्पेशल डिज़ाइन चेकआउट जरूर करें और बाकी स्पेशल कूपन कोड तो आप सभी को पता ही होगा। अभी हाल ही में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने यूएस लॉ मेकर्स को बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो इंडियन एयरफोर्स के लिए संयुक्त रूप से मिलकर फाइटर जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करने वाली डील है तो ये एक रेवोल्यूशनरी डील होगी और जबकि भारत के साथ अमेरिका के ग्रेट रिलेशनशिप की भी सराहना की गई है और जबकि उनकी तरफ से भी बताया गया है कि जेट इंजन के अलावा जो अमेरिका है वो भारत के साथ आर्मर्ड व्हीकल का भी को प्रोडक्शन कर रहा है और जहां तक संभावना है यहां पे स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की गई है। हालांकि अमेरिका के साथ स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स वाली जो डील है तो उस पर अभी कोई औपचारिक रूप से एग्रीमेंट साइन होना बाकी है। हालांकि जब से ये स्ट्राइकर वाली न्यूज़ चर्चा में आई है तो एक क्वेरी हमेशा बनी हुई है कि जब भारत के पास ऑलरेडी टाटा कैस्ट्रल जैसे स्वदेशी ऑप्शंस मौजूद हैं तो फिर स्ट्राइकर जैसे किसी विदेशी ऑप्शन के साथ जाने का क्या मतलब बनता है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका ने स्ट्राइकर के एयर डिफेंस वर्जन को भारत को ऑफर किया। बाकी अगर आपको टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर के बीच कंपैरिजन देखना है तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो डिफेंस इनसाइट चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंडियन स्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों के हिस्से के तौर पर आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज और DRDO को भारत की स्पेस इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के साथ एंगेज होकर हमारी एडवर्सरीज के साथ जो एक गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर जोर दिया है। और जबकि एक वर्चुअल एड्रेस के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये भी कहना था कि जो स्पेस और साइबर एलिमेंट्स हैं उन्हें हमारे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल्स में डीपली इंटीग्रेट करने की भी जरूरत है और उनका ये भी मानना है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जब भारत पूरी दुनिया में वन ऑफ दी मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स में आएगा। बाकी एक अपडेट यह है कि लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अभी तक करीब 80 के आसपास नक्सल्स को ढेर किया गया है, 125 से अधिक को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 150 नक्सल्स ने सरेंडर किया है। और जबकि 2004 से 2014 के कंपैरिजन में 2014 से 2023 के बीच में भारत में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड वायलेंस है तो इनकी घटनाओं में 52% तक की गिरावट देखी गई है और जबकि नंबर ऑफ डेथ में 69% तक की गिरावट। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि आज 18 अप्रैल को IIT कानपुर और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज यानी कि AFMS ने एक MOU साइन किया है और इस MOU के तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस संयुक्त रूप से मिलकर कठिन इलाकों में तैनाती के दौरान जो हमारे सोल्जर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से मिलकर ये टेक्नोलॉजीज को विकसित करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में 7SM राइफल्स के राइफलमैन नर बहादुर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए CRPF के हेड कांस्टेबल राजीव शर्मा, कांस्टेबल CV भाकरे और कांस्टेबल सत्यपाल सिंह परमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि आज तक कितने वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।